खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर से है, जहां एक 17 वर्षीय युवक की 5 दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है मृतक युवक ने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाया हुआ था, जिसको लेकर 17 वर्षीय युवक का अपने दोस्तों से विवाद हो गया, जिसको लेकर 5 दोस्तों ने मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है युवक गरीब परिवार से है, जिसके परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में युवक का पोस्टमार्टम कराने के लिए काफ़ी पुलिस फोर्स एकत्रित रहा। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि स्टेटस को लेकर कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसमें 17 वर्षीय युवक की हत्या की गई है, जिसमें 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे घटना का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। गोविंद विश्वकर्मा ये निवासी नेबुहा के हैं, और नेबुहा ये बैकुंठपुर स्कूल है इनकी। तो ये गए थे अपने स्कूल, और स्कूल में कुछ स्टेटस और कुछ पढ़ाई को लेकर के इन लड़कों में कहासुनी हो गई, और ये कहासुनी आज इतनी बड़ी घटना मतलब ऐसे विकट रूप ले लिया कि आज उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी निंदनीय है, मैं इसका निंदा करता हूँ, और ये ऐसे बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये बैकुंठपुर थाना नेबुहा गांव नेबुहा के हैं, लेकिन ये घटना हुई है बैकुंठपुर स्कूल के में, स्कूल प्रांगण में हुआ है। ये बच्चा रहने वाला नेबुहा का है। आरोपी की पहचान हो पाई है? हाँ, आरोपियों की पहचान हो पाई है। दो अभी पता चल रहा है कि दो लोगों को अभी गिरफ्तार करके लाया गया है, देखा वो भी नहीं है। और अभी ये तो पता नहीं चल पाई कि किसको हुआ, क्या कर रही प्रशासन। मैं इसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चूक है। जिस तरह घटना हुई है उस टाइम पर सबको पता चला, और पुलिस अगर एक्शन लेती तुरंत तो वो बिल्कुल गिरफ्तार हो जाते और तुरंत वहीं पे मिल जाते। घटना का कारण क्या सामने आ रहा है, क्या घटना का वजह? यही बता रहे कि स्टेटस लगाया था, और स्टेटस क्या लगाया था, हंसी का, कुछ ने हंस दिया था, हंसी का मतलब कुछ लोगो लगा दिया था, बस उसी को लेकर के इन बीच में कहासुनी हो गई थी। आपको क्या नाम? मनोज विश्वकर्मा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुँच के अग्रिम कार्रवाई शुरू की, और लगातार हमने फिर कल से ही तीन टीमें बनाई, और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई है। और पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है, उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था, और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारी है, उनसे भी लेना प्रारंभ किए। तो हमें आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या का पता करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी कार्रवाई करेंगे।